हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का क्लास 12 फिजिक्स का एक सिंपल टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, तो सबसे बेसिक ट्राई करते हैं। इसका पहला पॉइंट है मैग्नेटिक डायपोल। अभी मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है ये बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर से बताता हूँ। हमें मालूम है एक मैग्नेट जिसका नाम है बार मैग्नेट, बहुत सिंपल है। ठीक है, बार मैग्नेट कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, और इस बार मैग्नेट की कितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, दैट पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, और जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिज्म की वो एंड्स पे ज्यादा होती है, वो सब पढ़ा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका कि इसके पास कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। एक पोल को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट या सिर्फ मैग्नेट जिसको कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। उसी की वजह से इस सिंपल बार मैग्नेट को ही क्या बोला जाता है? इस सिंपल बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डायपोल बोला जाता है, क्योंकि ये मैग्नेट है और इसके पास कितने पोल है? दो पोल है। तो सिंपल बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। ये मैग्नेटिक डायपोल के दो पोल कैसे ढूंढेंगे? हमको मालूम है क्या था, एक बार मैग्नेट था, उसको स्ट्रिंग लगाई गई, छोड़ दिया गया, कुछ देर बाद वो ऐसा सस्पेंड हो गया। ठीक है, एक पोल को नॉर्थ पोल बोल दिया, दूसरे पोल को साउथ पोल बोल दिया। ठीक है, इस तरह से हमें पता चला कि एक बार मैग्नेट जो होता है उसके पास दो पोल होते हैं, उसी की वजह से बार मैग्नेट को ही हम क्या बोल सकते हैं? हम मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरी चीज, जब किसी बार मैग्नेट को आप किसी जगह पर रखते हो तो सबसे पहली चीज ये बार मैग्नेट क्या करता है, या कोई भी मैग्नेट क्या करता है, इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसके आजू बाजू क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और अगर उस फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल आप लेके आते हो, फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैग्नेट लेके आओ, तो दूसरे मैग्नेट को एक तो अट्रैक्ट करेगा, एक तो रिपल करेगा। या फिर एक मैग्नेटिक मटेरियल लेके आओ जिसको हम बोलेंगे, चलो मान लो कोई आयरन लेके आए, तो इस आयरन को ये क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन कब? जब ये आयरन कहाँ पे हो? यहाँ पे हो, या बाहर होगा तो फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां तक गई नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपको दो चीजें समझ में आती है। पहली चीज, जो बार मैग्नेट है उसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकता है। वापस एक बार, मैग्नेटिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकता है। मैग्नेट के अलावा मैग्नेटिक फील्ड को कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड किसकी जायदाद है? मैग्नेट की जायदाद है। ठीक है, तो फिर पहली बात कि मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, कोई भी मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, ये सिर्फ बार मैग्नेट नहीं, हॉर्सू मैग्नेट देखो, हॉर्सू मैग्नेट के पास भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो दो चीजें हमें समझ में आती है, मैग्नेट होगा तो उसके पास कितने पोल होंगे? दो पोल कंपलसरी होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? तो मैग्नेट बनाएगा। मैग्नेट बनाएगा मतलब मैग्नेटिक डायपोल बनाएगा। ठीक है, यहां तक तो हमने पढ़ा है। वापस हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये बात ध्यान में रखो जो अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, क्या है? मैग्नेट जो भी हो, कोई भी मैग्नेट हो, उसके पास दो पोल होंगे, और कोई भी मैग्नेट को, सिर्फ बार मैग्नेट को नहीं, किसी भी मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक डायपोल प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखो। लेकिन अभी हमने पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में कि जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में से, तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, जब किसी कंडक्टर में से हम करंट फ्लो कराते हैं तो उस कंडक्टर में से जाने वाले करंट की वजह से उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक डायपोल प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम एनालॉगी कैसे लगा सकते हैं कि वो जो वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, वो वायर भी अभी क्या बिहेव करेगी, और इसके आजू बाजू क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये जो वायर है, वो वायर भी अभी क्या बिहेव करेगी, कैसी बिहेव करेगी? वायर भी अभी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो वायर भी अभी मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगी। वायर भी अभी क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक डायपोल।
ये प्रैक्टिकली ऑस्टर एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया गया है कि जब किसी वायर में से आप करंट फ्लो कराओगे तो उस वायर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करता है? मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल। तो ये वायर भी क्या हो गई फिर, अभी मैग्नेटिक डायपोल हम उसको बोल सकते हैं। दूसरा चीज, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, अगर ये कोई कॉइल है, इस कॉइल में से करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो इसमें से जब करंट पास होता है तो ये वाली भी वायर क्या करेगी, ये लूप भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल भी क्या बिहेव करेगी, कैसे बिहेव करेगी, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल की प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे जब किसी लूप में से करंट फ्लो कराते हैं तो तभी भी उसके आजू बाजू क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम इतना बोल सकते हैं कि जो लूप है, करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग लूप, वो भी कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम कर सकता है। तो हम इतना बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज मैग्नेटिक डायपोल, बिहेव्स एज मैग्नेटिक डायपोल। तो अब ये जो लूप है जिसमें से करंट पास होता है, उसका डायपोल मतलब नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, वो हम कैसे चेक करते हैं। तो बहुत सिंपल बात है, मान लो आपके पास कोई कॉइल है, ये आपके पास कोई कॉइल है, मान लो ऐसी बहुत लपेट लपेट की ऐसी बड़ी वाली कॉइल हमने बना दी, ठीक है, और इस कॉइल में से हमने करंट फ्लो करा दिया। करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, अगर आप सामने से देखोगे तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा, अगर मैं इधर से देखूंगा तो उसी कॉइल में से करंट मुझे कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से यहां से देखो करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, आप देखोगे तो करंट क्लॉकवाइज जाएगा, लेकिन मैं इधर से देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा, मतलब कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दो साइड से देखोगे ना तो करंट की दो अपोजिट डायरेक्शन आपको पता चलेगी, एक डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन में निकलता हूं इधर, देखो ये कॉइल है, ये हो गया कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरा डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जिस साइड से देखने के बाद, ये ध्यान में रखो, जिस साइड से देखने के बाद आपको ऐसा दिखेगा करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो वहां पे कौन सा होगा, उस साइड पे कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा, उस साइड पे साउथ पोल प्रोड्यूस होगा। और जिस साइड से देखने के बाद आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, उस साइड पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा, उस साइड पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा, कैसे, ऐसे, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, करेक्ट है। तो देखो आप इधर से देख रहे हो, आप जब देखोगे तो क्लॉकवाइज, तो इस वाली साइड कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा, इस वाली साइड साउथ पोल प्रोड्यूस होगा। मैं जब इधर से देखूंगा, इधर से मेरे को करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर के साइड कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस कॉइल के पास अभी कितना पोल हो गया, दो पोल हो गया, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो कॉइल भी अभी कैसे बिहेव करने लग जाएगी, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अभी मोमेंट का स्पेलिंग ठीक से देखो, मोमेंट और मूवमेंट में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है, मोमेंट मतलब इफेक्ट, मोमेंट मतलब इफेक्ट, और जो मूवमेंट होता है वो होता है हिलना, ठीक है, मोशन। तो हमें मोमेंट पढ़ना है, मोमेंट मतलब क्या, इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, किसकी वजह से होगा, मैग्नेटिक डायपोल की वजह से होने वाला इफेक्ट, मैग्नेटिक डायपोल की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इफेक्ट मतलब क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डेफिनेशन बनेगी कॉइल के लिए या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा एन आई ए, एन आई ए, एन जो है, जो कॉइल हमने ली है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, आई मतलब उस कॉइल में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ए मतलब कितना एरिया, कितना एरिया उस कॉइल ने एनक्लोज किया है, मान लो एक कॉइल है उसकी रेडियस आर है, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, उस कॉइल ने एनक्लोज किया हुआ एरिया हो गया, ठीक है। तो म्यू मतलब
ये जो है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, म्यू मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन दो तरीके से बताएंगे, बुक में दिया नहीं है, उसकी डायरेक्शन दो तरीके से बताएंगे। मान लो कोई पहले मैग्नेट है जो है ऐसा बार मैग्नेट, ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और दूसरा कॉइल है, दूसरा क्या है कॉइल, ऐसा क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है सामने से देखो तो ऊपर वाले केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। ऊपर वाले केस में चलो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन बना लो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड द एरिया एनक्लोज बाय द कॉइल, एरिया एनक्लोज बाय द कॉइल, यह हो गया उसका फर्स्ट डेफिनेशन। अभी उसका डायरेक्शन देखना है, उसका डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। जब बार मैग्नेट होगा तब उसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये हमेशा ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन बार मैग्नेट के लिए साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ। इसमें कैसे बताएंगे, तो इसमें बताने के लिए कॉइल में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताने के लिए एक रूल यूज करते हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जो है रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक हम क्या लेंगे, एक इमेजिनरी एक्सिस लेते थे फर्स्ट चैप्टर याद करो, उसको ऐसा पकड़ते थे, करेक्ट है, कर्ल फिंगर्स किसकी डायरेक्शन डिनोट करते थे, रोटेशन का सेंस का, और ये जो थंब था वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी डिनोट करता था। अभी इस केस में क्या होगा, ये जो कर्ल फिंगर्स है ये कर्ल फिंगर्स किसकी डायरेक्शन डिनोट करेंगे, ये कर्ल फिंगर्स आपकी डायरेक्शन डिनोट करेंगे करंट, करंट कैसा फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज, तो फिर मैं क्या करूंगा, इन कर्ल फिंगर्स को ऐसा क्लॉकवाइज करूंगा, क्लॉकवाइज किया, और थंब को कैसा रखूंगा, स्ट्रेच रखूंगा। तो ये जो थंब की डायरेक्शन है ना अंदर के साइड है, अंदर के साइड है, तो यहां से सेंटर से अंदर के साइड में जाने वाला एक वेक्टर ड्रॉ करना, ये तो आपको मालूम है, क्रॉस मतलब अंदर जाने वाला और डॉट मतलब बाहर आने वाला। ठीक है, तो अभी ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा अंदर के साइड, अंदर के साइड, और इस कॉइल के प्लेन को परपेंडिकुलर, कॉइल के प्लेन को परपेंडिकुलर। देखो मान लो ये कोई कॉइल है ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है कौन सा, क्लॉकवाइज, मान लो यहां से भी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो यहां से भी क्लॉकवाइज फ्लो कराते हैं, ऐसा 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 करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो ये क्लॉकवाइज जाएगी मेरी उंगली और थंब ऐसा अंदर गया, डायरेक्शन अंदर के साइड, तो ये कॉइल है, तो इसके अंदर जाने वाला, इसके अंदर ऐसा जाने वाला जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा। तो ऐसा वेक्टर जो जा रहा है वो वेक्टर क्या है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। और कौन सा वेक्टर होता है जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, अगर आप ठीक से याद करोगे, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होता है, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर कॉइल के एरिया को परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर मैंने अभी दिखाया वो भी क्या है, इस कॉइल को परपेंडिकुलर है। तो हम क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, म्यू से डिनोट करते हैं, इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कॉइल। कोई भी कॉइल है, ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होगा, उस कॉइल के प्लेन को परपेंडिकुलर। और तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी हमें कैसी मिल रही है, राइट हैंड थंब रूल अगर यूज किया तो वो भी हमें परपेंडिकुलर मिल रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन के सेम होते हैं, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के सेम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू एन आई ए, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ए इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय दैट कॉइल। डायरेक्शन अगर बार मैग्नेट है तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाएंगे, अगर कॉइल है तो उसमें करंट की डायरेक्शन देखेंगे, करंट की डायरेक्शन किससे डिनोट करेंगे, कर्ल फिंगर से,
तो स्ट्रेस थंब किसकी डायरेक्शन बता देगा आपको? स्ट्रेस थंब आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता देगा, और वो डायरेक्शन किसके समान होती है? एरिया वेक्टर के समान होती है। इससे ज्यादा आपको कुछ जानने का जरूरत है नहीं। और दूसरी चीज, अगर आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, तो उस पे लगने वाला टॉर्क हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उस पे लगने वाला टॉर्क क्या होता है? वो होता है म्यू बार क्रॉस बी बार, वेयर म्यू बार इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इसी का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं? म्यू बी साइन थीटा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है तो इतना फॉर्मूला आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, तो चलिए वो वाला टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी को कब मिलती है। तो उसका जो डेफिनेशन है हमने क्लास 10 में पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजिशन, करेक्ट है। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी मिलती है बॉडी को, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और 11th में आने के बाद में हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन, ठीक है। सिर्फ वर्क डन नहीं होता है, अगर थोड़ा अंदर जाओगे, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। एक कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह का टॉपिक हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है क्लास 11th में एक टॉपिक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ढूंढने का। उसमें हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। जो एनर्जी होता है वही वर्क होता है, वो तो हमें मालूम है, लेकिन वर्क कैसे किया जाता है? वर्क जो डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स हो, ठीक है। अगर कोई बॉडी है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है हमने, ग्रेविटेशनल फील्ड इस साइड पे फोर्स लगाती है, अगर हमने कुछ वर्क करके इस बॉडी को ऊपर लेके गए, ठीक है, तो हमने कैसा वर्क किया? ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क किया। अगर अगेंस्ट वर्क करेंगे तो इस बॉडी जब यहाँ पे जाएगी तो उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अगर हमें इस बॉडी को ऐसा रख दिया और बॉडी को नीचे छोड़ दिया, हमने कुछ काम नहीं किया, जो कुछ काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स अपने आप कर रहा है, तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है, ठीक है। तो ये दो किस्से हमेशा ध्यान में रखना, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? पोजीशन की वजह से मिलने वाली, और दूसरी क्या? वर्क डन की वजह से मिलने वाली, और वो वर्क डन किसके अगेंस्ट होता हो? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो वही हमें ढूंढना है। तो देखो अगर ये आपको समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का भी आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर आपको पूरा समझ में आ जाता है तो इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है वो आपका बहुत ही जल्दी से खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे एनालॉगस टॉपिक्स है सब। तो देखो क्या होता है, मान लो ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने मैग्नेटिक डायपोल रख दिया, आपने क्या रख दिया? मैग्नेटिक डायपोल रख दिया, ठीक है। अभी मान लो इस मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? म्यू बार। ये कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है, ठीक है। तो बार मैग्नेट में म्यू बार की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होने के कारण कितना एंगल बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। ये कौन सा वेक्टर है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये जो है ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ में? बी बार के साथ में। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? इस पे टॉर्क लगाएगी, ठीक है। टॉर्क कैसे लगाएगी? दो फोर्सेस प्रोड्यूस करके, बराबर है, दो फोर्सेस प्रोड्यूस करके ऐसा टॉर्क लगाएगी, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल है या फिर जो मैग्नेट है उसको है ना रोटेट नहीं होना होता, वो क्या करता है? अपोज करता है रोटेट करने के लिए। तो ये क्या करता है? कुछ तो काम करता है कि ताकि मैं मेरी पोजिशन ऐसे मेंटेन रखूं, लेकिन रख नहीं पाता, ठीक है। वो उसकी पोजिशन ऐसे मेंटेन रखने का प्रयास करता है, और उस वक्त उस प्रयास में वो कुछ काम करता है, ठीक है। तो वो काम जो है इस मैग्नेटिक डायपोल के अंदर किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्योंकि कोई भी बॉडी का टेंडेंसी क्या होता है कि मेरे को हिलना नहीं है, इनर्शिया जिसको हम बोलते हैं, तो इनर्शिया की वजह से भी जो एनर्जी स्टोर होती है ना बॉडी के अंदर, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी इनर्शिया की वजह से
बॉडी के अंदर मतलब मैग्नेटिक डायपोल के अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी और उसकी एनर्जी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक डायपोल। तो उसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट ध्यान में रख लो, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से और एनर्जी क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, तो बार नहीं लगाना। लेकिन ये जो एनर्जी मिलेगा ये आपको ऐसा मिलेगा म्यू बार डॉट बी बार और आगे साइन आएगा माइनस। माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि एनर्जी मतलब क्या होता है वर्क और बी बार मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन भी ऐसा होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे। किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या फिर जब नॉर्थ पोल होगा तो नॉर्थ पोल पे लगने वाला फोर्स इस दिशा में होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरह होगी और हम बोल रहे हैं कि अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब क्या अपोजिट, वर्क डन अगेंस्ट, जो वर्क डन करने वाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। मतलब क्या वर्क डन मतलब ही एनर्जी, तो एनर्जी कब मिलने वाली है जब आप वर्क अपोजिट डायरेक्शन में करोगे। तो अपोजिट डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पे कौन सा साइन यूज हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन यूज हो जाता है। तो ये यू हो जाएगा माइनस यू बी और जब डॉट प्रोडक्ट होता है तब डॉट प्रोडक्ट के लिए ये तो हट जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा हट जाएगा, या फिर चलो रखते हैं डायरेक्शन तो रखना ही, ठीक है। तो ये माइनस साइन डायरेक्शन बता देगी और ये इतना जो पूरा है वो क्या बता देगा आपको मैग्नीट्यूड बता देगा, ठीक है। वेयर म्यू इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको बोलते हैं, और कॉस थीटा, थीटा क्या है एंगल बिटवीन म्यू बार एंड बी बार, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, म्यू बार एंड बी बार के बीच का एंगल क्या है थीटा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट है एनर्जी का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इसके पहले का चैप्टर है वो देखा जाए तो, लेकिन हमने वो पढ़ा नहीं है अभी तक, ठीक है, सिलेबस की वजह से। तो वैसे ही फिर हम इसका एनालॉगस लगा सकते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं पी बार डॉट ई बार, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो, यहाँ पे म्यू बार मतलब क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ये पी बार मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे बी बार मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ई बार क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसी को लिख देंगे माइनस पी कॉस थीटा, उधर भी थीटा क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल होगा, ठीक है। इतना हम करें, अभी इसमें से केस बनेंगे, दो केसेस बनेंगे, ठीक है। देखो अगर थीटा जीरो रहा, अगर थीटा जीरो रहा मतलब क्या म्यू बार और बी बार की डायरेक्शन क्या रही सेम रही, तो क्या होगा म्यू इज इक्वल टू माइनस यू इज इक्वल टू माइनस यू बी कॉस थीटा होता है, कॉस जीरो कितना होता है यू बी, करेक्ट है। तो देखो ये हमें मिलेगा माइनस यू बी, एक बात हो गई, और दूसरी अगर थीटा 180 डिग्री हो, थीटा कितना हो 180 डिग्री, थीटा अगर 180 हो तो क्या हो जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस यू बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 पुट करो, कॉस 180 होता है माइनस वन, ठीक है, कॉस 180 होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा म्यू बी खाली, ठीक है। थीटा अगर 90 रहा तो जीरो, थीटा अगर 90 रहा तो जीरो, ठीक है, या फिर तीसरी कंडीशन भी लिख देते हैं थीटा अगर 90 रहा तो जीरो, करेक्ट है। तो देखो ये जो है माइनस म्यू बी, ठीक है, ये क्या है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन द, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द क्या मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि आगे क्या साइन लगा है माइनस, माइनस जो होता है वो जीरो से भी क्या होता है कम होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब रहेगी जब थीटा कितना रहेगा जीरो, थीटा जीरो मतलब द डायरेक्शन ऑफ म्यू बार एंड डायरेक्शन ऑफ बी बार दोनों सेम रहेंगे, तो ठीक है। देखो डायरेक्शन जब दोनों की सेम है, डायरेक्शन जब दोनों की सेम है तो ये जो बी बार है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर कुछ फोर्स नहीं लगाएगा और ये भी उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम नहीं करेगा,
तो इसके अंदर का मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, कम रहेगा। दूसरी चीज, जब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो एंगल 180 डिग्री होने के कारण फॉर्मूला की वजह से जो मिलेगा वैल्यू वो कितना मिलेगा, म्यू बी क्या होगा, बड़ा होगा। तो माइनस म्यू बी से प्लस म्यू बी बड़ा होता है तो हम क्या बोल देंगे, इट इज द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक डायपोल। और वो कब स्टोर होगी, जब वो मैग्नेटिक डायपोल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डायपोल। किसकी वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू पोजिशन, लेकिन यहां पे बोलेंगे ड्यू टू ओरिएंटेशन। अभी ओरिएंटेशन मतलब क्या, ओरिएंटेशन का मतलब है कि कितना एंगल बना रही है ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, इसको कैसे रखा मैंने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, कि रखने के वक्त कितना एंगल बनेगा, कितना एंगल बनाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन। उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, ऐसा होगा मैग्नेटिक डायपोल या ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा, उस पोजीशन को हम बोलेंगे ओरिएंटेशन, ड्यू टू ओरिएंटेशन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बन जाएगी क्या, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। क्या बोलेंगे, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक डायपोल व्हेन दैट मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल हैव सम काइंड ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक डायपोल ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन, ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन, और कहां पे प्लेस करेंगे, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और उसका फॉर्मूला क्या ध्यान में रखोगे, यू इज इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस थीटा, वेयर म्यू इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, बी इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा टॉपिक जो था, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल कवर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।